अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो के Y36 की। इस सीरीज का पहले Y35 भी आ चुका है, अब Y36 आया है। ये फोन भी बहुत अच्छा है, आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये फोन कैसा है। आजकल नवंबर 2023 में दो तरह के फोन वीवो के बहुत हॉट हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक वीवो का Y36, क्योंकि ये अपनी कम प्राइस में 8 GB रैम के साथ है, ये 8 GB 128 GB फ़ोन है। इसके अलावा जो इनका लो बजट में फ़ोन आ रहा है वो आ रहा है Y17S, वो 6128 में फ़ोन है, वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बिक रहा है फ़ोन। और इस वक्त Y36 भी बहुत बिक रहा है, जिसको 8 GB चाहिए वो Y36 लेता है और जिसको 6 GB चाहिए वो Y17S ले रहा है। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस फोन में क्या है, क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले देखें तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह से होगा, फ्रंट इसका इस तरह से होगा, साइड पे ऐसे है, पीटीए की सील लगी होगी पीछे। इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले फोन को ऑन करते हैं और सबसे पहले देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इसमें एक सॉफ्ट सिलिकॉन पाउच आ रहा है, जो कि आप लोग अगर कोई फोन खरीदते हैं तो आपको सॉफ्ट पाउच वगैरह महंगे मिलते हैं, फौरी आपको लेना होता है, तो क्योंकि फोन की जो बॉडी है उसको बचत के लिए लगाना लाजमी है, इसलिए ये आपको इसके अंदर फ्री दिया जा रहा है। कम से कम ये 500-1000 रुपए का आपको पाकिस्तानी प्राइस में आपको मिलता है, तो ये फ्री है आपको साथ। इसके अलावा इसकी ये कुछ बुकलेट्स हैं, कुछ वारंटी कार्ड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके साथ चार्जर आ रहा है वो 44 वाट का चार्जर आ रहा है, जो कि ये 15 मिनट्स में 30% चार्ज कर देगा। काफ़ी फास्ट चार्जर है, काफ़ी हैवी चार्जर है, वीवो का ये बड़ा अच्छा चार्जर साथ दे रहे हैं। ये देखें इस तरह का चार्जर होगा ये। इसके अलावा इसकी एक डाटा केबल है, टाइप सी इसकी डाटा केबल है, एक अदद पिन साथ है। ये होगी, ये बॉक्स में चीजें आ रही हैं। इसके बाद फोन को देखते हैं जी, ये फोन की लुक है जी, बहुत प्यारी लुक है, बहुत प्यारी लुक है, बहुत प्यारी लुक दी है और एक बिल्कुल चेंज लुक दी है। आप देख सकते हैं कि एक इसकी बिल्कुल शाइनी सी बैक है और ग्लिटर सी बैक है, ये बिल्कुल स्मूथ बैक है, प्लास्टिक बैक है इसकी, प्लास्टिक फ्रेम है, फ्रंट इसका ग्लास है, टोटल बाकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक है। आप इसको फील, ये देखें बॉडी बहुत प्यारी है, मैं आपको इसको और क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें इसमें ऐसे 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 थोड़े से गिल्टर से छोटी 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 लाइनिंग्स हैं। बहुत प्यारा फोन है ये Y36। अगर फ्रेम इसमें कैमरास की बात की जाए फ्रेम की, तो आजकल जितना भी ये ट्रेंड है, जितने भी फोन आ रहे हैं कंपनीज के, बिग लेंसेज दे रहे हैं और टू लेंसेज दे रहे हैं, तो इसका भी उन्होंने सेम वैसे ही लुक रखी है। दो बिग लेंसेज दिए हैं उन्होंने बैक पे ना, दो बिग लेंसेज बैक पे दिए हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, जो कि अपने फ्रेम से इतने बाय नहीं है जितने बाकी मॉडल्स के जो आ रहे हैं, जो रिंग आ रहे हैं लेंसेज वो काफी बाहर है, इनके इतने बाहर नहीं है। बड़े स्मार्ट सा फोन है, टाइप सी चार्जिंग जैक है इस फोन का, नीचे इसका स्पीकर दिया गया है, हैंड फ्री जैक दिया गया है, माइक है, साइड पे इसका फिंगर माउंटेड इसका पावर बटन है, यही इसका पावर बटन है और यही इसका फिंगरप्रिंट है। राइट साइड पे इसका वॉल्यूम कीज है, ये साइड लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली है। इसका ऊपर की साइड पे इसकी सिम ट्रे दी गई है, ड्यूल सिम ये फोन है,
ड्यूल सिम फोन है विद मेमोरी कार्ड, टू कलर्स में ये फोन आया है, गोल्ड में आया है और ब्लैक में आया है। जो फोन मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ ये गोल्ड कलर का है। कैमरास की बात की जाए तो बैक कैमरा इसका जो है 50 मेगापिक्सल है और फ्रंट इसका 16 मेगापिक्सल है। आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर बाकी और क्या ऑप्शन है। इसको एक्टिव कर लेते हैं फोन को। स्क्रीन साइज का बहुत अच्छा है, 6.64 इसका स्क्रीन साइज है जो कि एक नफ साइज है, अच्छा साइज है। फोन का इसका वेट भी इतना नहीं है, फोन का वेट है 202 ग्राम। तीन तरह के लॉक्स हैं इसके अंदर, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, ये आप देख सकते हैं। तीन तरह के ये लॉक्स हैं। 202 ग्राम इसका वेट है जो मैं बता रहा था, इतना वेट नहीं है फोन का। इसको बड़ा हैंडी सा फोन है, बहुत जबरदस्त फोन है, बिल्कुल इसकी स्केल लिख दी है इन्होंने। थोड़ा सा ये ऊपर से कर्व है, बाकी स्केल लुक है। 5000 mAh की बैटरी है फोन के अंदर। बाकी इसको और ऑन कर, इसको ऑन करके देखते हैं बाकी क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। इसको बाकी ऑन करते हैं। ये सेटिंग है जी इसकी, अबाउट फोन। 2.4 गीगा ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इस फोन की सबसे अच्छी बात जो है इसमें स्नैपड्रैगन यूज किया गया है, स्नैपड्रैगन 680 इसमें यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें एंड्रॉयड 13 है, 8 GB मैंने आपको बताया, 8+8 इसकी रैम है और 128 GB रोम है। ये सारा इसका सॉफ्टवेयर है जी। इसके बाद इसकी अगर बात की जाए इसके शॉर्टकट्स की, तो ये इसके बाकी शॉर्टकट्स हैं। बड़ी पावरफुल इसकी टॉर्च लाइट दी गई है, बड़ी पावरफुल टॉर्च लाइट है। इसके बाद बाकी तमाम ऑप्शन इसमें मौजूद हैं जो आम एक एंड्रॉयड में होती हैं। अल्ट्रा गेमिंग मोड है क्योंकि इसमें आपकी गेमिंग बहुत अच्छी होगी क्योंकि ये स्नैपड्रैगन है इसके अंदर। क्योंकि अक्सर जो दूसरे मीडियाटेक वगैरह चिपसेट हैं वो फोन लैग करते हैं, हीटअप हो जाते हैं, ये फोन इतना हीटअप नहीं होगा, लैग नहीं करेगा। आपकी गेमिंग के लिए, आपकी वीडियोस के लिए बेस्ट फोन रहेगा। ये इसकी ब्राइटनेस है। इसके अलावा आइए इसका कैमरा चेक करते हैं कैसा है, लाइव कैमरा चेक करते हैं। ये देखें, बहुत प्यारी पिक्चर आई है जो कि बिल्कुल भी, आप ये देखें बिल्कुल इसकी कोई, इसने अपने पिक्चर खराब नहीं किए। फ्लावर की एक एक चीज नजर आ रही है। इसके बाद इसकी साउंड चेक करते हैं कैसी है। बड़ा पावरफुल स्पीकर इसमें दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं इसकी साउंड कैसी है, बहुत अच्छी साउंड है। इसके अलावा और इसमें बाकी ऑप्शंस हैं, रैम एंड स्टोरेज स्पेस। आपको बताया 8+8 इसकी रैम है। फोन ये बहुत अच्छा है जी। फ्रंट इसका 16 है, बैक इसका 50 मेगापिक्सल है। इस फोन में अगर देखा जाए तो एक ही ड्रॉबैक है, मैं समझता हूं कि ये कंप्लीट फोन है। वैसे तो कंप्लीट फोन है, 8 GB 128 GB फोन है। इसके अच्छे रैम है, अच्छे रोम है, अच्छी चिपसेट लगाई है, बहुत अच्छी चिपसेट लगाई है इन्होंने, स्नैपड्रैगन लगाई है।
कंप्लीट फोन बनाया है, लेकिन इसमें एक इसमें जो ड्रॉबैक देखे हैं वो इसकी एलसीडी का देखे गए हैं। एलसीडी अगर इसके अंदर एमोलेड रखते तो ये फोन कंप्लीट फोन होता। सिर्फ इसमें एक यही इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसकी जो एलसीडी है वो आईपीएस है। अगर आईपीएस एलसीडी ना होती, एमोलेड होती, तो आपको रिजल्ट में और भी अच्छा होता, और भी आपको फोन का अच्छा मजा आता चलाने में। अभी भी ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक जो मेरे नजदीक था वो आपको बताना लाजमी था कि इसकी जो एलसीडी है वो एमोलेड है। प्राइस इसकी बड़ी अच्छी है, पाकिस्तानी प्राइस है इसकी 70,000, ऑफिशियल प्राइस है इसकी 70,000। बाकी आपको लेस वगैरह होके भी आपको मार्केट से कुछ थोड़े से लेस होके मिल जाएगा, लेकिन इसकी ऑफिशियली प्राइस जो है वो 70,000 है। आप लोग इसको लाजमी खरीदें, ये फोन बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया इसके वीवो के दो तीन मॉडल हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसको आप लाजमी खरीदें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर कोई कमेंट करना हो तो मेरे आप कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़ जी।